अरे चचा, क्या डाल दिया वो? क्या बे? ओ, जो एस्ट्रोनॉट की कहानी बताई गई है। तूने अविनाश की वीडियो नहीं देखी? नहीं, अब देखने जा रहा हूँ। तो देख ले, बाद में पूछ मुझे। हेलो दोस्तों, मैं आपको क्लैश ऑफ क्लैंस की आई हुई नई शॉर्ट वीडियो एनिमेटेड वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई हुई है और कौन सी नई क्या क्या उसमें बताया गया है, वो सारा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, फुल एक्सप्लेन। तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका प्यारा यूट्यूबर अविनाश, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे जल्दी से जाके दबा दो और बाजू वाले बेल आइकन है उसे भी दबा दो। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, अभी जो शुरू से की एनिमेटेड मूवी आई है उसमें दिखाया गया है कि एक एस्ट्रोनॉट जो है वो अपने स्पेसशिप को ठीक करने में लगा रहा है। तो वो एक एस्ट्रोनॉट है, वो जो एस्ट्रोनॉट है वो एक सीओसी प्लेयर है, उसे चीफ दर्शाया गया है। हर सीओसी प्लेयर एक चीफ होता है उसके बेस का, मतलब उसके बेस का मालिक होता है। और वहाँ पर एक नासा में जैसे वो नहीं रहती है वो रोवर मशीन, वैसी है। और वो सीओसी की नोटिफिकेशन उस एस्ट्रोनॉट तक पहुँचाती है। तो वो एस्ट्रोनॉट उस स्पेसशिप को ठीक करने में लगा हुआ रहता है। तो बात ऐसी है कि वो एस्ट्रोनॉट जो है वो मार्स पे जाता है और मार्स पे उसकी स्पेसशिप लेके जाता है और उसकी स्पेसशिप जो है वो मार्स पर ख़राब हो जाती है। वो जैसे वो स्पेसशिप को ठीक करने में लगा रहता है तभी उसके स्पेसशिप का जो एंटीना होता है रिकवर करने का वो टूट के नीचे गिर जाता है और उसकी स्पेसशिप का जो रिकवर होने वाली होती है वो वहीं पर रुक जाती है। 48% जो उसकी लोडिंग हो रही थी वो वहीं पर रुक जाती है। और फिर वो एस्ट्रोनॉट जो है वो अपने गाड़ी रोवर को, जो गाड़ी होती है रोवर जैसी, उसे उसको ठीक करने में लगा रहता है। उसका व्हील्स उसके व्हील्स जो है वो फिट करता है उसको। और जैसे वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है गाड़ी, उधर से वो नोटिफिकेशन वाली रोबोट मशीन आती है और कुछ नोटिफिकेशन उसको देने लगती है। लेकिन सामने वो रिमोट कंट्रोल होता है छोटा सा, उसके जो लीवर होता है उसे दबा देता है वो रोबोट। और वो जो मशीन है रोबोट की, वो लीवर को दबा देता है और वो जो रोवर है वो पीछे जाने लगता है। उससे क्या होता है कि पीछे जाके वो टकरा जाता है और उसका ब्लास्ट हो जाता है और वो जो रोवर बनाया था उसने ठीक किया था वो फूट जाता है। तभी गैलेक्सी में एक एस्ट्रॉइड जो होता है, वो पत्थर, बड़ा सा पत्थर, वो जो है मार्स की तरफ आगे आने के मार्स की तरफ आता है और मार्स की तरफ बढ़ता है। और जो है वो एस्ट्रोनॉट जो है वो सोलर पैनल्स लगा के अपने स्पेसशिप को चार्ज करने में लगा रहता है। लेकिन जैसे वो देखता है कि वो एस्ट्रॉइड आ रहा है वो टेंशन में आ जाता है और एस्ट्रॉइड जो है वो एक उनमें से एक सोलर पैनल पर गिरता है और उस सोलर पैनल में बड़ा सा छेद हो जाता है। और गाइज, प्रॉब्लम्स यहीं पर आके नहीं रुकती। जब रात होती है तब स्ट्रॉम आता है, एक बड़ा सा तूफान आता है उस स्पेसशिप में, मतलब मार्स में एक तूफान आता है बड़ा सा और स्पेसशिप का जो कपड़ा होता है उसे वो फाड़ देता है। लेकिन वो एस्ट्रोनॉट क्या करता है, उस कपड़े को सेलोटेप से चिपकाने की कोशिश करता है। और जैसे ही सेलोटेप से चिपका के वो बैठता है तभी वो नोटिफिकेशन वाली मशीन जो है रोबोट मशीन वो आती है और उस सेलोटेप वाले चिपकाए हुए हिस्से को फाड़ देती है और कहती है योर बेस इज अंडर अटैक। और फिर से वो एस्ट्रोनॉट जो है वो नाराज़ हो जाता है। उसे लगता है कि हम वापस नहीं जा पाएंगे, मैं वापस नहीं जा पाऊँगा धरती पे। तो तभी वो रोबोट मशीन आके कहती है वी विल फाइट एंड ऑफ द बैटल लाइक यू से, मतलब इसका मतलब है हम आखिर तक लड़ेंगे जैसे कि तुमने कहा था। इसका मतलब उस एस्ट्रोनॉट ने पहले कभी कहा होगा कि हम आखिर तक लड़ेंगे, वही बात वो रोबोट मशीन उसको बताता है। और फिर वो एस्ट्रोनॉट जो है वो दुगनी मेहनत के साथ उस स्पेसशिप को ठीक करने में लगा रहता है। उसके जो सभी कंपोनेंट्स है वो उसे जो भी कंपोनेंट्स से उसे ठीक करता है और वो जो एंटीना है उसे भी ठीक कर लेता है, उसे सही जगह पर बैठाता है। और वो जो स्पेसशिप रिकवर की जो लोडिंग होती है वो 100% हो जाती है और स्पेसशिप 100% रिकवर हो जाती है। अभी वो जो रोबोट मशीन है वो उस स्पेसशिप में जाती है और एस्ट्रोनॉट नीचे रुक जाता है क्योंकि उस स्पेसशिप को टेस्ट ड्राइव करनी होती है। और बाद में सब वो स्पेसशिप टेस्ट ड्राइव के लिए लॉन्च होती है। और तभी क्लैश ऑफ क्लैंस का एक नया मैसेज आता है कि जब चीफ तुम बाहर थे तब कुछ नए ट्रूप्स आ गए, मतलब जो चीफ था वो एस्ट्रोनॉट था
जब वो बाहर था तो कुछ नई चीज़ें जैसे कि हेड हंटर, सुपर बारबेरियन, सुपर जायंट, सुपर सुपर ट्रूप, सारे सुपर इन्फर्नो ड्रैगन हो गया, ऐसे कुछ ट्रूप्स नए आए हैं, वो क्लैश ऑफ क्लैंस की नोटिफिकेशन बता दिए। तभी वो जो एस्ट्रोनॉट होता है वो क्लैश ऑफ क्लैंस खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्शन की वजह से वो खोल नहीं पाता। पीछे से मैसेज आता है कि हमारे स्पेसशिप का जो टेस्ट ड्राइव है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी स्पेसशिप वापस जाने के लिए पूरी तरीके से 100% रेडी है। तो वो जो एस्ट्रोनॉट है वो वापस जाने के लिए रेडी होता है। तो यही था वीडियो में, एक एस्ट्रोनॉट की कहानी बताई गई है कि वो कैसे वापस जाता है, क्लैश ऑफ क्लैंस प्लेयर है वो एस्ट्रोनॉट। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।